हेलो एंड वेलकम टू एफ टी सी यू मैम सिक्स वन प्रेजेंट कर रहा हूँ बी.एस.सी. सेकंड ईयर जिसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आज हम आइडियल गैस पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में चैप्टर का नाम है आइडियल गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें हम इसके बेसिक को पढ़ चुके हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या होती है आइडियल गैस की, ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉयल और चार्ल्स। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसको पढ़ने से पहले हमें चार्ल्स लॉ और बॉयल्स ये दोनों डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ, उसके बाद देखेंगे चार्ल्स लॉ क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स।
2 चार्ल्स लॉ, इसमें करती सर होगी प्रेशर की कांस्टेंट इसके लाभ निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परंतु पी के अनुपातिक According to Charle's law, he will be directly proportional to P. Proportional का एक sign हटाएंगे कि हम तो constant आया, V equals to हो जाएगा K की which P upon P. तो आइडल गैस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर